दोस्तों आप लोगों को पता है कि AMD ऐसा बताया जा रहा है कि एक नया तरह का AI चिप बनाने वाला है जो मोबाइल में काम करेगा। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये आएगा तो क्या मोबाइल फोन सस्ता और होगा या महंगा जाएगा। वैसे इंटेल भी इसमें आने वाला है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि AMD का सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा था, पता है तो बताया, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। AM9080 ये जो है इसका मॉडल नंबर और कोड बोल सकते हैं, और ये 1975 में लॉन्च किया गया था जो 4 बिट पे था। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको ये चीज पता है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स, बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था सर रतन टाटा जी को आप जानते हैं, 95% लोगों ने कहा हाँ जानते हैं, कुछ 5% लोग हैं जो बोलते हैं नहीं जानते हैं। वैसे उन 5% लोगों से मुझे मिलना है कि आखिर में वो है कौन जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और नहीं जानते। आपके हिसाब से वैसे कौन लोग होंगे कमेंट में जरूर। पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में एक तरह का चैट थीम आ गया है जो आप देख सकते हैं। फर्स्ट लुक काफ़ी ज़बरदस्त है, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए आप किसी भी तरह का थीम वगैरह लगा सकते हैं, बस सामने दिखे तो मज़ा आ जाए। वहीं बात करते हैं जो इनका मोबाइल कांग्रेस होने वाला है इंडिया का, उसमें स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 वाला प्रोसेसर लॉन्च होगा जो सस्ते में महंगा होगा और महंगे में सस्ता होगा, इस तरह का कुछ होने वाला है। अब ये डायमेंसिटी 6300 को बीट कर पाएगा या उसी से के बराबर होगा कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है जियो की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि जियो ने अपना फाइनेंशियल ऐप को निकाल दिया है जो फाइनेंस को कंट्रोल करेगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। लोन वगैरह लेना है तो कॉन्टैक्ट कर। अगली अपडेट आ रही है U&I Beats की तरफ से। इंडिया में 3-4 प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है। पहला जो है उनका एक TWS है जो 799 रुपये में मिल रहा है तो ले सकते हैं। दूसरा जो है उनका एक नेक बैंड है जो 1099 रुपये में मिल रहा है, जाके ले सकते हैं। और उनका एक पावर बैंक है लगभग कुछ 20,000 mAh का जो 1699 रुपये मिल रहा है तो जाके ले सकते हैं। अगली अपडेट आ रही है एलन मस्क की तरफ से। टेस्ला का रोबोट उन्होंने बनाकर रेडी कर दिया है जो देखने में कुछ इस तरह का है, लेकिन थोड़ा डरावना लग रहा है। आपको लग रहा है ऐसा कुछ कमेंट में जरूर बताइए। वक्त होता आपके सवाल लेने का। विनम जी का सवाल है, हेलो मेक ए वीडियो अबाउट द होम स्क्रीन वॉलपेपर। बहुत ही जल्दी एक वीडियो आएगा जो हम बताएंगे कि होम स्क्रीन वॉलपेपर में क्या है, उसका लिस्टेड ऑन करिए सब्सक्राइब करके रखिए। अगली अपडेट आ रही है रेडमी नोट 14 प्रो की तरफ से। गुड न्यूज ये है कि ये MediaTek के चिप पे आएगा और साथ ही साथ IMI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया है। MediaTek का कौन सा प्रोसेसर होगा इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ आएगा। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। अगली अपडेट आ रही है Redmi K80 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8th Gen 4 वाला प्रोसेसर इसमें होगा और Xiaomi का 15 उसका फर्स्ट लुक आ गया है वाइबो पे। किसी ने ट्वीट किया है जो और देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। पेरिस्कोपिक सेंसर यहाँ पर नज़र आ रहा है और कंप्लीट कैमरा सेटअप, लेकिन लिडार सेंसर भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है पोको का C75। ये एक फ़ोन है जो आने वाला है 8GB RAM के साथ, मतलब एंट्री लेवल में भी 8GB RAM। क्या करेंगे इतने रैम का अगर प्रोसेसर सही नहीं रहा तो। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो का Find X8 Pro में एक्शन बटन देखने को मिल रहा है, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं एक्शन के हिसाब से। साथ ही साथ मोटो की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है कि एंड्रॉइड 15 के डिवाइस लिस्ट आ गए मोटो का, जो आप स्क्रीन रोक कर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आपका इसमें नाम है या नहीं फोन का कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है टेक्नो कैमोन 30C की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि कर्व डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। हीलियो का G100 वाला प्रोसेसर होगा। 50 MP का सोनी का MX896 वाला प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है इनफेस का एक लैपटॉप आने वाला है एयर प्रो प्लस। ये जो है 16GB RAM के साथ आएगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा और 17 अक्टूबर को ये लॉन्च होगा और 14 इंच का इसमें डिस्प्ले है। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सैटरडे था, ज़्यादा टेक न्यूज़ नहीं था। जैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है जैसे ही वीडियो मिले आपको कुछ पूछना है तो कर सकते हैं, क्योंकि संडे को #AskRaza आ रहा है तो हम बहुत सारी चीज़ करते हैं उसमें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।